से कच्चा भी आता है इस ब्रिज का केनवीनो प्रीमियर वर्ल्ड इंडिया वालो चीनो के हम आ गए। मेरा तो इरादा था कि मैं यहाँ पर इन छुट्टियों के दिनों में आप लोगों को दारियन लेके जाऊँ, जो दारियन गैप है, पनामा का सबसे फेमस गैप है जहाँ से लोग डोंकी करते हैं। ये देखो यहाँ पर गांधी जी का पुतला आपको नजर आएगा। पनामा सिटी के अंदर बहुत ही बड़ी एक जगह है, यहाँ पर हम लोग पास में जा रहे थे। इस जगह का नाम है मेरा दो देलास अमेरिकास। चाइनीज लोगों ने यहाँ पर अपना प्रेजेंस बताने के लिए इसको बनाया था, जिसको 150 साल हो चुके हैं। पनामा के अंदर जो सबसे करीब में बीच है वो यहाँ पर हम लोग अभी जाने वाले हैं। पनामा से आधे घंटे की दूरी के ऊपर है। रास्ते में एक स्टॉप आता है, यहाँ से अच्छा व्यू आता है, यहाँ से एक अच्छा व्यू आता है इस ब्रिज का, जिसका नाम है पुएंते डेल अमेरिका। और यहाँ पर आपको पोर्ट भी दिखाई देगा जो कि पनामा सिटी के अंदर है, और जो दूसरा जो पोर्ट है वो कोलोन के अंदर है, यहाँ से दूसरे स्टेट के अंदर है। वहाँ पर ज़्यादातर अक्सर शिप आती है बाहर से, लेकिन यहाँ पनामा सिटी के अंदर भी बालबोआ करके एक पोर्ट है, यहाँ पर भी शिप आती है, डॉक होती है, और यहाँ से सिटी के अंदर ही माल आ जाता है। कोलोन के अंदर जो माल आता है वो वहाँ से निकल के फ्री जोन के अंदर जाता है, फ्री जोन से फिर दूसरी कंट्री के अंदर वहाँ से पास होता है। यहाँ पर आकर आपको पेंटिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। देखो होला बोए ना कुमता ऐसा लोग आप पारा के Mirador chino, los chinos lo crearon esto. Sí, ellos hicieron este monumento para que apreciaran desde las Américas, apreciaran las aquilas de Flusa, 150 años. ¿Y quién vino primero, los indios o los chinos? ¿Qué es más bien? Están apoderados. Yo creo que chino, puede ser, sí. Sí. तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि ये जगह क्यों बनाई गई थी, तो उन्होंने बताया कि ये जगह चाइनीज लोगों ने बनाई थी अपना यहाँ पर प्रेजेंस बताने के लिए। और ये जगह इन्होंने कब बनाई थी, देखो उस पर लिखा हुआ है 150 साल, इस पर लिखा हुआ है 150 साल, 150 years देयर प्रेजेंस या चीना इन पनामा, अपना प्रेजेंस बताने के लिए इन्होंने ये जगह बनाई थी। और यहाँ से जगह अच्छी भी है, यहाँ से व्यू अच्छा आता है। तो 150 साल पहले यहाँ पर चाइनीज लोग आ चुके थे। और ये भी मैंने पूछा कि इंडियन लोग पहले आए थे कि चाइनीज़ लोग पहले आए थे, तो हंसने लगा। हालांकि मेरे ख्याल से चाइनीज़ लोग ही पहले आए होंगे, इंडियन लोग जो आए थे पहले कैनल बनाने के लिए मज़दूरों को लाया गया था यहाँ पर, ना कि वो यहाँ पर कुछ रेसिडेंस वगैरह अपना बिजनेस के लिए आए थे। हमारे इंडियन लोगों को तो कम से कम अभी साल हुए होंगे 80 या फिर उससे कम, और चाइनीज़ लोगों को यहाँ पर देखो 150 साल हो चुके हैं। ये जगह Bien, bien, gracias. ¿Usted? La paz de Dios. Muy bien. La paz de Dios. ¿Tu hijo? Sí, mi hijo. Muy bien. ¿Usted? ¿Te gusta el canal? Sí. ¿Sabe de la historia del canal? Sí, sí, ya fuimos al canal 2-3 veces. 80 kilómetros. 80 kilómetros. 80 kilómetros desde? Desde el Pacífico. Ajá. Hasta el Atlántico. Atlántico. Esta es la ruta. Ah, ok. Entonces el país nada más mide hasta 80 kilómetros. Exactamente. ये देखो एक जगह से पैसिफिक से अटलांटिक से 80 किलोमीटर है, यहाँ पर 80 किलोमीटर एक मात्र ना है। Y los barcos demoran de 7 a 8 horas. 8 horas para atrás, ¿sí? De un lado. ¿Quiere tomar una foto del mapa? Sí, aquí para la historia. Ahí ya tenemos. The pictures. ¿Cómo se llama usted? Muy bien, Juan. Juan, soy Sirá. Él es panameño y nació aquí. Sí. La escuela sí. Amigo de Patel. ¿Cómo se llama Patel? Sí. Conocemos. तो यहाँ पर सब एक दूसरे को पहचानते हैं मुसलमानों को, यहाँ से अच्छा भी। उन्होंने बताया कि देखो एक जगह से दूसरी जगह पर है, मतलब कि अटलांटिक से पैसिफिक तक के 80 किलोमीटर का फासला है, यानी कि ये पनामा कंट्री एक कोने से दूसरे कोने पर बीच में 80 किलोमीटर का फासला है, और अटलांटिक और पैसिफिक के साइड में आ जाता है। मिरादोर दे लास अमेरिकास, मिरादोर बोलते हैं यहाँ पर जहाँ पर अच्छा व्यू होता है, व्यू पॉइंट होता है ये, तो यहाँ से व्यू पॉइंट है ब्रिज का, इसी वजह से यहाँ पर मिरादोर बनाया गया है। और ये हिस्ट्री है, और क्योंकि ये कैनल जो बनाने का था उन्होंने ऐसी जगह पर बनाया जहाँ पर कम डिस्टेंस हो, तो ये सबसे कम डिस्टेंस है पनामा का 80 किलोमीटर का। बाकी और चौड़ा आगे जाएंगे आप वहाँ पर तो और ज़्यादा चौड़े मिलेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा खोदना पड़ता था कैनल के लिए, यहाँ पर कम जगह थी इसी वजह से इस रास्ते के अंदर कैनल बनाया है। देखो पनामा के अंदर आपको इतनी हरियाली देखने मिलेगी हर जगह पर, रास्ते में जाओ, गाँव में जाओ, यहाँ पर लोग आते हैं टूरिस्ट लोग वगैरह भी, और यहाँ पर अपना स्टॉप करके फ़ोटो वगैरह निकाल के आगे चलते हैं। हालांकि जगह पे हम लोग बहुत सी बार पास होते हैं लेकिन आज तक कभी स्टॉप नहीं किया, आज पहली मतलब स्टॉप किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आज छुट्टी है 2-3 दिन के लिए, और ज़्यादा दूर जाने का इरादा नहीं था क्योंकि मौसम ख़राब है, यहाँ पर हरिकेन आने वाला था,
तो गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट हुआ था, तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले, तो यहाँ पर एक पास में एक बीच है जो कि सिटी के अंदर ही है, 30 मिनट के रास्ते पर। यहाँ से ब्रिज पास करने के बाद में अंदर हम लोग गांव के अंदर जाएंगे, वहाँ पर अभी आप लोगों को वहाँ पर बीच के ऊपर लेके जाता हूँ जो सिटी से सबसे करीब है। तो देखो जो पॉइंट आपको, जो ब्रिज आपको नीचे से वहाँ से बताया, यहाँ पर अभी हम लोग उसके नीचे से पास हो रहे हैं। इसको भी कितने साल हो गए, 100 साल हो गए। ये रहा ब्रिज। नवंबर का महीना है और पनामा के अंदर बहुत सारे छुट्टी के दिन आते हैं इस महीने के अंदर। कभी फ्लैग डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। तो घर के अंदर हम लोग बोर हो रहे थे, मेरा तो इरादा था कि मैं यहाँ पर इन छुट्टियों के दिनों में आप लोगों को दारियन लेके जाऊँ, जो दारियन गैप है, पनामा का सबसे फेमस गैप है, जहाँ से लोग डोंकी करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वहाँ लेके जाने का इरादा था। लेकिन यहाँ पर मौसम ख़राब है, हरिकन आया हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से रेड अलर्ट था, इसी वजह से मैं निकल नहीं पाया। सब जगह पानी भरा हुआ है, हरिकन यहाँ पर आने से रुक गया, दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ पर हम लोग ने इरादा किया कि सिटी से करीब जो सबसे करीब बीच है, इस बीच का नाम है वेरा क्रूज, यहाँ पर मैं आपको लेके आ गया हूँ। तो ये देखो ये बीच, हालांकि एक गांव है वेरा क्रूज, यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और बीच के पास में यहाँ पर बैठते हैं, ठंडी हवा लेते हैं। ये पानी नहाने लायक तो नहीं है, कभी कभी अच्छा साफ हो जाता है, लेकिन हमेशा इसके अंदर नहाने लायक नहीं है। पानी भी देखो कितना दूर है, वहाँ तक के जाना पड़ेगा आपको नहाने के लिए। लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट अच्छी है, यहाँ पर मछली अच्छी मिलती है, 3-4 रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर मछली अच्छी मिलती है। देखता हूँ अभी भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे। फिर भी लोग यहाँ पर आके इंजॉय करते हैं, जो लोग ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते या फिर जा नहीं सकते किसी भी वजह से, तो यहाँ पर आके लोग इंजॉय करते हैं। मैं यहाँ पर आपको खाली दिखाने के लिए आया हूँ, घर के अंदर बोर हो रहा था। ये देखो यहाँ पर एक दिल बनाया हुआ है, यहाँ पर पानी की बॉटल, प्लास्टिक बॉटल को यहाँ पर आप रिसाइकल करने के लिए जमा करा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। जो यहाँ का पानी बिल्कुल चॉकलेट चॉकलेट वाला पानी, वहाँ से थोड़ा आप लोगों को बताएं, वहाँ पर पानी थोड़ा दूर था, गाड़ी को यहाँ पर हम लोग पास में लेके आए और यहाँ पर लोग नहाते हैं यहाँ पर फिर भी। लेकिन अभी पनामा के अंदर इतने अच्छे अच्छे बीच है, तो ये पानी के अंदर नहाना तो फिर हमारे गवारा नहीं होगा। पनामा के गांव हो या सिटी हो, बहुत ही ज़्यादा सेफ है, यहाँ पर पुलिस आपको हर जगह पे मिलेगी। इमिग्रेशन वाली पुलिस अलग होती है, लोकल पुलिस अलग होती है, इमिग्रेशन पुलिस अलग होती है, रास्ते के अंदर चेकिंग वगैरह होती ही रहती है यहाँ पर। ये देखो सामने जो आप लोगों को, ये हम लोग ने गाड़ी पार्क किया है और ये सामने पूरा गांव, ये जो सामने पुलिस नज़र आ रही है ये इमिग्रेशन वाली पुलिस है, और हम लोग यहाँ पर खाली देखने के लिए आए थे। गाड़ी वगैरह नहीं होना तो ये बस में के अंदर भी आप आ सकते हैं, बस सिटी से मिल जाती है, शायद 50 सेंट या फिर $1 लेती होगी, बस के अंदर आप आ सकते हैं, मिनी बस इसको बोलते हैं। नहाने के लिए तो नहीं, बल्कि आप यहाँ पर सनसेट देखने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पर बैठ के हवा ले के लिए आ सकते हैं। अगर समंदर किनारे आपको आके बैठना है, सिटी में आपके पास टाइम नहीं हो ज़्यादा दूर जाने के लिए, तो ये जगह अच्छी है यहाँ पर ठंडी हवा लेने के लिए। पनामा एक सेफ़ कंट्री है, चाहे गांव हो सिटी हो, आपको हर जगह पे पुलिस मिलेगी और गाड़ी की चेकिंग भी होगी, बाइक की भी और चलते हुए इंसानों की भी। देखो हर जगह आपको चेक पोस्ट मिलेंगे जहाँ पर आपको गाड़ी स्लो करनी है। ये देखो ये पनामा का सेंट्रल का एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं और अपने वाले भी रहते हैं ज़्यादातर, इंडिया के दिख रहे हैं हिंदू लोग। यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे इंडियन लोग, और यहाँ पर रास्ते के अंदर आपको चाय भी मिलेगी, समोसे भी मिलेंगे, खमन भी मिलेंगे। देखो ये एरिया है सेंट्रल का, यहाँ पर बहुत सारी शॉप है, मुसलमानों की भी है और दूसरे लोगों की भी है, यहाँ पर लोग चलते हुए शॉपिंग करते हैं, गाड़ी यहाँ पर अलाउ नहीं है। किसी दिन आऊँगा तो यहाँ पर आपको वॉक करते हुए पूरी हम दुकानें बताऊँगा, आज तो छुट्टी है इसी वजह से इतनी पब्लिक नहीं है, फिर भी है खाली। देखो पुलिस भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ये साइकिल वाली पुलिस है, आपको बाइक वाली बताया। ये देखो यहाँ पर गांधी जी का पुतला आपको नजर आएगा, वो एरिया का नाम था सेंट्रल और ये एरिया का नाम है काली दुनिया, काली दुनिया हमारे उर्दू के अंदर। घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो रहा था मैं, चलो आपको पनामा घुमा दो गाड़ी के अंदर ही। अब यहाँ से पनामा का हाई फाई एरिया शुरू हो जाता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको देखने मिलेगी। पीछे सब आपको मैंने गांव टाइप दिखाया और बीच में सेंटर जो मार्केट हो गई वो दिखाया, और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। नहीं किया लेकिन रास्ते से हम लोग ने ये ले लिया इस दुकान से,
इसका नाम है यहाँ पर एनपनाडा दे केसो कहते हैं। एनपनाडा मतलब के वो मैं इसको बोलते हैं एनपनाडा। ये देखो इसके अंदर पूरा चीज़ भरा हुआ होता है गरम गरम। ये देखो इसके अंदर पूरा चीज़ भरा हुआ होता है गरम गरम चीज़। तो चलो ब्लॉग पे यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। एक राउंड था पनामा का सिटी का जो आपको दिखाने का था और टाइम पास करने का था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।